हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइप द एक्सपर्ट। माय नेम चंदन सिंह। जेंस फ्रेंड, जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए प्लम्बर रिलेटेड मोस्ट कैजुअल जॉब्स, अप्रेंटिसशिप जॉब और परमानेंट जॉब और मोस्टली आईटीआई फिटर्स और प्लम्बर्स स्टूडेंट के लिए स्टडी करवाने का मैंने जो है जिम्मा लिया है वो कराता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे पाइप फिटर एक्सपर्ट चैनल को आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तो आईटीआई के मोस्टली जो है सारे पेपर होकर रिजल्ट भी आ गया है, तो आप लोग को मुझे आशंका है कि साहब सबका रिजल्ट प्रॉपरली अच्छा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि इंसान अगर प्रिपरेशन से करता है, स्टडी से करता है, तो मोस्टली उसके अच्छे ही रिजल्ट आते हैं। ठीक है, बट आज मैं आपको फोकस कराना चाहता हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्लम्बर्स के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लास्ट में चैप्टर है चैप्टर नंबर 23-24, डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रेन्स, मतलब कि आपको नालियों के बारे में पढ़ना है, मेन्स होल मेन होल्स के बारे में पढ़ना है और चेस फूल्स के बारे में पढ़ना है और सेप्टिक टैंक के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड, मैं आज मोस्टली आपको सेप्टिक टैंक के बारे में डिटेल वाइज थ्योरी कवर कराऊंगा, ठीक है, फिगर के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप प्रॉपरली वॉच कीजिए जो आईटीआई स्टूडेंट हैं प्लम्बर्स के, क्योंकि इस वीडियो से ओवरऑल जो आपके टेक्निकल्स क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन पेपर में वो बहुत कवर होंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको वॉच कीजिएगा और शेयर फ्रेंड जरूर क्या कीजिए फ्रेंड्स के फ्रेंड्सों को अपने जो आपके प्लम्बर स्टूडेंट हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपको पहले मैं 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ कल के ऑफिस में। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सेप्टिक टैंक से फ्रेंड, आपके जो टेक्नीशियन का पेपर है प्लम्बर का, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सारा कवर हो जाएगा इससे। ठीक है, मैं आपको डिटेल वाइज आपका थ्योरी पढ़ाऊंगा और वे निम्बी पैटर्न में जो आपके सीबीटी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इस चैप्टर से काफ़ी कुछ आता है। इस वीडियो में आपको मैं जो है सेपरेट टैंक कवर कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मेन होल्स, ड्रेनेज और सेस होल भी कवर करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, चलते हैं सेपरेट टैंक की थ्योरी की तरफ। ठीक है, एक मिनट, फाइल अपलोड हो गया फ्रेंड। कोई पॉइंट, एक मिनट। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, आपको मैं सेप्टिक टैंक के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सेप्टिक टैंक में ज़रा पेज लगा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये सारा देखिए वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसमें एक्सप्लेन है और काफ़ी प्लम्बिंग की डिफरेंट टाइप की थ्योरी को दिया हुआ है, पंप फिटिंग ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, मैं मेनली आज जो आपको सेप्टिक टैंक के बारे में बताने के लिए आपको इस वीडियो बना रहा हूँ, तो सेप्टिक टैंक को ही कवर करूँगा। 500 भी है इसमें। ठीक है मैम, एक मिनट दीजिए मुझे। मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई है, रेन वाटर सब हार्वेस्टिंग है, ड्रेनेज सिस्टम भी है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड, आने वाला है बस। सीवेज अपॉइंटिस आ गया आपका। ठीक है, बस बस आ गया फ्रेंड, आ गया वो सब। वन मिनट, ये देखिए आपका सेप्टिंग टैंक आ गया है फ्रेंड। ठीक है, थोड़ा इसका मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपरली वॉच हो। ठीक है, ठीक है, देखिए फ्रेंड, सेप्टिक टैंक डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन अनसेवर्ड एरियाज। फ्रेंड, थोड़ा वीडियोस आज की 15-20 मिनट की होगी, प्रॉपरली आप वॉच कीजिएगा क्योंकि काफ़ी मैं क्वेश्चन आपका कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सीवेज ऑफ विहीन क्षेत्रों में मल का जल निपटान के लिए सेप्टिक टैंक का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड, एक मिनट पेन जरा ले लूँ, है ना फ्रेंड। अब इसका पहले हम लोग एक छोटा मोटा इंट्रो लेंगे कि क्या होता है सेप्टिक टैंक,
तो सेप्टिक टैंक मूलतः एक भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड मल कुंड होता है, ठीक है। इसकी अपनी स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है, वो डायमेंशन के ही अकॉर्डिंग इसको कंस्ट्रक्शन के दौरान बनाया जाता है, ठीक है मैडम। है जिसमें आयु वो अवायुजीवी बैक्टीरिया मतलब कि एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया इसमें होते हैं, ठीक है। मकर जल सीवेज का क्रिया करके इसमें जैविक अपघटन करते हैं, ठीक है मैडम। अलग अलग पड़े ऐसे क्षेत्रों में जिनमें नगर पालिका की सीवेज प्रणाली नहीं है, मतलब इसमें आपके जो है पाइपलाइन नहीं पड़ी है सीवेज की, वहाँ पर जो रेसिड्यूल ऑफ प्लाट्स होते हैं उसमें जो है आप सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्ट करके यूज करते हैं वहाँ के पब्लिक, ठीक है। वहाँ के वाहित मल के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण एक संतोषजनक वैकल्पिक व्यवस्था है। प्लस लेटरिन से निकला हुआ वाहित मल इस टैंक में डाल दिया जाता है और वहाँ अवायुजीवी जीवाणुओं एनएरोबिक बैक्टीरिया द्वारा इसका अपघटन तथा उपचार हो जाता है। तो ये आपका सॉरी नॉर्मली इंट्रो था फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, इसका उपयोग क्या है? तो जाहिर सी बात है आपका निपटाने के लिए मतलब डिस्पोजल के लिए इसको सेप्टिक टैंक को हम लोग बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड। उपयोग में आपका देखिए सेप्टिक टैंक नगर की सीवर व्यवस्था मतलब कि सीवेज सिस्टम से दूर स्थित मकान बंगले स्कूल स्वास्थ्य केंद्र पंचायत घर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन होटल कॉलोनी ग्राम आदि के लिए उत्तम रहते हैं, ठीक है। इन्हीं के लिए सेप्टिक टैंक हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर आपका आगे का जो है एक रुकिए पंडित, हाँ कार्य तीसरा क्या है? कार्य प्रणाली वर्किंग सिस्टम। सेप्टिक टैंक की चिनाई मतलब सेप्टिक में जो ब्रिक वर्क होता है और कंक्रीट होता है ये जलरोधी टैंक होना चाहिए, मतलब वाटर प्रूफिंग होना चाहिए, क्योंकि इसमें परमानेंटली आपके बैक्टीरिया और वाटर और सॉयल और आपका वेस्टर रहता है, ठीक है, जो साधारणतः जमीन के नीचे बनाया जाता है ताकि फ्लैश शौचालय से मलक जल गुरुत्व प्रवाह से इसमें पहुंचता रहे। इस टैंक में एक ओर सीवेज प्रवेश किया जाता है मतलब एक ओर आपका इनलेट और दूसरी ओर आपका आउटलेट होता है, और कुछ दिनों की जैविक क्रियाएं से उपचारित होकर दूसरी ओर से सामान्य जल के रूप में बाहर निकलता है। कार्यशील स्थिति में टैंक में निरंतर बहाव रहता है, बहाव रहता मतलब कि आपका फ्लो बना रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक मिनट फ्रेंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पीडीएफ, उससे आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है ना। तो टैंक के अंदर मलक जल की गति इतनी धीमी होती है कि आपको 60 से 70% निलंबित पदार्थ स्लज स्लज जो आपका सॉलिड होता है के रूप में नीचे तली में बैठ जाता है, ठीक है। ये आपका कंट्रेक्ट कैसे होता है, कैसे वर्किंग प्रोसेस होता है सेप्टिक टैंक का, वो बता रहा है, बताया जा रहा है थ्योरी के माध्यम से आपको। चिनाई व हल्के पदार्थ जल सतह पर स्कैम, इसको स्कैम कहते हैं, ये मोस्टली जो टेक्नीशियन पेपर आता है प्लम्बर का उसमें पूछा जाता है फ्रेंड कि स्कैम क्या होता है, ठीक है। ये रूप में एकत्र हो जाते हैं टैंक के भीतर मुक्त रूप से प्रकाश तथा वायु के प्रवेश न होने कारण शीघ्र ही अवायु बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। अवायु बैक्टीरिया मतलब एनएरोबिक सक्रिय हो जाते हैं जो सीवेज में उपस्थित ठोस कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल का अपघटन मतलब डिसॉल्व होने लगते हैं, इन्हें हानिकारक यौगिक द्रव्य गैसों में परिवर्तित कर देते हैं। खनिज पदार्थ अवशिष्ट के रूप में टैंक की तली पे बैठ जाते हैं, मतलब कि इसको जो उसका डेटम होता है मतलब कि बैट बॉटम होता है वहाँ सारा सॉलिड मटेरियल अब बैठ जाता है, ठीक है। गैसें जैसे मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अमोनिया, ठीक है NH3, ठीक है, और वेंट पाइप होते हुए वायुमंडल में मिल जाती है, ठीक है। वेंटिलेशन के लिए पाइप दिया जाता है। टैंक के दूसरे सिरे में इन्फ्लुएंट, इन्फ्लुएंट मतलब कि बाहर स्राव, ठीक है। ये भी फ्रेंड टेक्नीशियन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमि में बनाया गया रेशन
सोक पिट भी बनाया जाता है। सोक पिट पेंट में जो बनाया जाता है सेप्टिक टैंक के बगल में, उसमें जो है हम लोग प्लास्टर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें पानी सोखता जाता है अपने, इसमें पानी फ्लो होकर गिरता है तब खाई में डाल दिया जाता है। यह पानी प्रिया है दुर्गंधहीन होता है, जिसे खुली नाली में बिना किसी आपत्ति से छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जैसे कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब कि संरचना स्ट्रक्चर में नहीं, हाँ सेप्टिक टैंक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक फ्रेंड, एक मिनट। इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करेंगे अब। ठीक है, एक बार फ्रेंड इसको साफ कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसको अभी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर के बारे में आपको आपके बारे मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्ट्रक्चर में, सेप्टिक टैंक का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, सेप्टिक टैंक चिनाई कंक्रीट तथा गोलाकार मतलब सर्कुलर और रेक्टेंगल, ठीक है, तथा आयताकार रेक्टेंगल और वर्गाकार मतलब सर्कुलर स्पेरिकल होता हो सकते हैं, परंतु सीवेज के धीमे प्रवाह के लिए रेक्टेंगल टैंक अधिक उपयुक्त है। मतलब जो रेक्टेंगल टैंक होते हैं, रेक्टेंगल टैंक जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इनकी टोटली डेप्थ आपकी 1 मीटर होती है, ठीक है, और उसकी जो विड्थ होती है, और ये तो अकॉर्डिंग टू पर्सन के हिसाब से रख लिया जाता है। इस टैंक के सीवेज का अवसादन मतलब सेडिमेंटेशन तथा डाइजेशन दोनों क्रियाएं होती हैं। मतलब इस टैंक में जो प्रोसेस होता है वो सेडिमेंटेशन और डाइजेशन होता है। इस क्रिया में सुधार के लिए टैंक को 2 या 3 दिन में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे अवसादन मतलब सेडिमेंटेशन तथा डाइजेशन क्रियाएं अलग अलग कक्ष में होती हैं। ये पार्टीशन वाइज आपका कटा होता है, मैं फिगर लगाऊंगा उसमें आपको सब क्लियर होता रहेगा। ठीक है, सीवेज के प्रवेश तथा निकास की बाधिकाएं वाल मतलब बैफल जो वाल होती हैं कुछ ऐसे ऐसे होती हैं, यहाँ बैफल वाल दी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बैफल वाल अथवा टी, और यहाँ टी प्रोवाइड की जाती है टी, ठीक है, टी प्रोवाइड की जाती है, टी अथवा टी पाइप लगाए जाते हैं ताकि टैंक में भरा मलक जल विचलित ना हो और अवायु बैक्टीरिया की क्रियाओं में विघ्न ना पड़े। अवायुजीवी बैक्टीरिया मुक्त हवा रोशनी जल हल चल पसंद नहीं करती, ये सभी मांगें उन्हें बंद सेप्टिक कोष्ट में मिल जाती हैं। निरीक्षण मतलब कि इंस्पेक्शन तथा क्लीनिंग के लिए सेप्टिक टैंक की छत रूप में एक अथवा अधिक मेन होल भी रखे जाते हैं, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है टैंक की। सफाई तथा के लिए टैंक में उतरने के लिए हम लोग कदम चप मचे मतलब कि स्टेप बना देते हैं, कुछ स्टेप ऐसे से बना देते हैं। इसकी सेंटर टू सेंटर फ्रंट कुछ डिस्टेंस होती है, ठीक है, वह सेंटर टू डिस्टेंस फ्रंट 1 फुट की होती है। ठीक है ना, गैसों को बाहर निकालने के लिए छत में वाल नल वेंट पाइप लगाए जाते हैं, वेंट लगाते हैं। तलीम लगातार स्लज को एकत्र हो जाने से टैंक की धारता धीरे धीरे कम हो जाती है, अतः 1 से 3 वर्ष पश्चात टैंक की सफाई कर देनी चाहिए। ये इसकी क्लीनिंग पीरियड है फ्रेंड, है तो 3 साल के तो 1 साल के अंदर इसको आप क्लीन कर सकते हो। ठीक है, सेप्टिक टैंक में निकली अपच खाद के रूप में भी प्रयोग की जाती है, मतलब कि इसमें टैंकर्स बुलाए जाते हैं, प्राइवेट में तो 1,500 या 2,000 समथिंग लेते हैं, अब तो 2,500-2,500 लेते हैं, तो लोग मंजल को लेके खेत में डाल देते हैं, और एक खाद के साथ खाद में हम लोग खाद में यूज होती है अथवा गड्ढों में भी भर दिया जाता है। ठीक है, ये सब होता है ना। चलते हैं आगे, ये देखिए फ्रेंड, ये आपका जो है आपका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, मतलब फिगर दिखाया गया है, तो ये लोग आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिए, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट फ्रेंड, ठीक है, सुविधा के लिए फ्लैश लैट्रिन भवन के अंदर की बनाई जाती है, परंतु सेप्टिक टैंक बाहर तथा दीवारों से कुछ दूरी पर बनाए जाने चाहिए ताकि भवन के नींव क्षति न पहुंच सके। ये बता रहा है फ्रेंड के
आपका जो है सेप्टिक टैंक, ठीक है, एज ए आपका कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, एक ये किनारे होना चाहिए, मेनली जो ये है किचन से कुछ डिस्टेंस होता है वहाँ पर उतनी दूर रखना चाहिए जैसे सीपेज ना आ सके, ठीक है। बोरवेल से भी कुछ डिस्टेंस होती है, वो आप लोग कहोगे तो मैं बाद में मेंशन कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। फ्रेंड ठीक है, फिर आपका है नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंड बाही साव का निपटान, सेप्टिक टैंक के बाहर निकलने वाले द्रव्य तथा पूर्णता दुर्गंधहीन रहित नहीं होता, इसलिए इन्फ्लुएंट का निपटान निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। पहला सिंचाई के लिए प्रयोग करके, दूसरा नदी नालों को डालकर, तीसरा रेशन गड्ढों तक खाई में छोड़कर, ठीक है बहन, खाई में छोड़कर होता है ना। अब मोस्टली आपको इसका फिगर की तरफ आपको ले चलते हैं, फिगर को आप समझाया जाए, ठीक है बहन। ये इसका फ्रेंड फिगर है, थोड़ा मैं इसको फिगर को बड़ा कर देता हूँ उससे आपको क्लियरली समझ में आए, है ना। ये देखिए, ये आपका सेप्टिक टैंक का पूरा फिगर है, ये आपका जो है बैफल वाल थी, ठीक है फ्रेंड। प्रॉपरली जो वीडियो के लास्ट तक रहेगा उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड, ठीक है। ये बैफल वाल है, ये इसका बेस है, मतलब बॉटम है, ठीक है। ये कॉन्क्रीट की होती है, इसका कुछ रेशियो होता है, ठीक है, उसके हिसाब से इसको किया जाता है। इसमें एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं, इसका स्लोप होता है 1:9, 1:10, ठीक है फ्रेंड, 1:10 उसका स्लोप होता है, ठीक है। इसकी जो बेफल्स दीवारें जो होती हैं वो आपकी कुछ 5 सेंटीमीटर है ना, नहीं 5 सेंटीमीटर नहीं होती है इसकी जो फ्रेंड, ये दीवार बाहर की होती है, ये 20 सेंटीमीटर की थिक की है, ठीक है। टी पाइप है, टी पाइप आपका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर आपका दे रखा है, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी। ये आपका वेंट पाइप पर लगा रखा है, ये इनलेट होगा, ये आपका आउटलेट होगा, ये आपका ग्राउंड लेवल को दिखाया गया है, ठीक है। ये मोबाइल होल के मेन होल के जो है ढक्कन है वो आपको दिखाए गए हैं क्लीनिंग पर देखने के लिए, सेप्टिक टैंक है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड साइज ऑफ सेप्टिक टैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। BIS के उपयोगिता की संख्या के अनुसार सेप्टिक टैंक के मानक माप निर्धारित किए गए हैं, अतः डिजाइन में समय न लगाकर इन मापों को हम क्या गया सारणी पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट फिगर पे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये इसका दे रखा है, ये जो सीस फुल है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, इसको मैं बाद में वीडियो में बनाऊंगा। तो ऐसी कुछ स्टैंडर्ड, देखिए स्टैंडर्ड आपको दिखाया गया है, यही दिखाया गया, मैं आपको वहाँ फालतू ले गया, ठीक है। आपको दिखाते हैं एक मिनट, ये देखिए, ये आपका दिया है इसमें डायमेंशन, ये डायमेंशन मोस्टली याद रखिएगा। इसकी टोटल लेंथ आपकी 2.50 मीटर होती है, विथ आपकी 0.9 मीटर होती है, और डेप्थ आपकी 1.30 मीटर होती है, मतलब कि 2.50 आपकी लेंथ होती है ना, और विथ आपकी 0.90 मीटर होती है, और डेप्थ आपकी उतनी होनी चाहिए, मोस्टली यही होती है, ठीक है फ्रेंड। तो आज मैंने आप सेप्टिक टैंक में आपको पूरा एक्सप्लेन किया, आप लोग कायदे देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मोस्टली मैं जल्दी एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन कौन विद्यार्थी ITI होल्डर्स हैं या ITI स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनका मैं ग्रुप बना लूँगा, ठीक है, या टेलीग्राम बना लूँगा, उसमें PDF आपको सेंड करता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।